प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचारी रोग जेई एईएस तथा कोविड 19 की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें तथा जेई एईएस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जेई व एईएस का मरीज सीधे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में न आए बल्कि मरीज का इलाज संबंधित जनपद के ईटीसी सेंटर मीनू पीकू जिला अस्पताल में हो। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज सीधे बीआरडी मेडिकल कॉलेज आता है तो प्रधानाचार्य व मंडलायुक्त ये देखें कि मरीज किस जिले से आया है और मरीज का इलाज जिला अस्पताल पीकू मिनी पीकू ईटीसी सेंटरों पर हुआ है कि नहीं। यदि मरीज सीधे बीआरडी मेडिकल कॉलेज आया है तो संबंधित की जवाबदेही भी तय की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गोरखपुर एवं बस्ती मंडल की बैठक यहां करने का मुख्य कारण यह है कि यहां पर जेई एईएस का प्रकोप अधिक होता है। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के बेहतर सर्विलांस से मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें गंभीरतापूर्वक कार्य करने से ही सफलता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार प्रदेश स्तर पर टीम 11 का गठन कर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार जनपद स्तर पर भी टीम 11 बनाया गया है। जिलाधिकारी नियमित रूप से जनपद स्तरीय टीम 11 के कार्यों की निगरानी करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए कोविड हेल्प डेस्क बहुत उपयोगी है, इसलिए सभी क्षेत्रों में इसकी स्थापना सुनिश्चित करते हुए लोगों को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के साथ साथ संचारी रोग से भी लड़ना है, इसलिए माइक्रो प्लान बनाकर कार्य करें और जिलाधिकारी इसके नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचारी रोग जेई एईएस तथा कोविड 19 की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें तथा जेई एईएस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर एवं बस्ती मंडल की बैठक यहां करने का मुख्य कारण यह है कि यहां जेई एईएस का प्रकोप अधिक होता है। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के बेहतर सर्विलांस से मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें गंभीरतापूर्वक कार्य करने से ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश स्तर पर टीम 11 का गठन कर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार जनपद स्तर पर भी टीम 11 बनाया गया है। जिलाधिकारी नियमित रूप से जनपद स्तरीय टीम 11 के कार्यों की निगरानी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए कोविड हेल्प डेस्क बहुत उपयोगी है, इसलिए सभी क्षेत्र में इसकी स्थापना सुनिश्चित करते हुए लोगों को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के साथ साथ संचारी रोग से भी लड़ना है, इसलिए माइक्रो प्लान बनाकर कार्य करें और जिलाधिकारी इसके नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। इस दौरान मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, मंडलायुक्त गोरखपुर जयेंद्र नालिकर, मंडलायुक्त बस्ती अनिल सागर, जिलाधिकारी गोरखपुर के विजेंद्र पांडियन, देवरिया अमित किशोर, महाराजगंज डॉक्टर उज्ज्वला कुमार, कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी, बस्ती आशुतोष निरंजन, संत कबीर रवीश गुप्ता, सिद्धार्थनगर दीपक मीणा ने संचारी रोगों से संबंधित अपने मंडल जनपद की तैयारियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की कोरोना के साथ साथ जेई एईएस और डेंगू जैसे संचारी रोगों
पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। यद्यपि ये कार्य योजना हमारी पहली जुलाई से प्रारंभ भी हो चुकी है, लेकिन मैं विशेष रूप से समीक्षा करने के लिए यहाँ पर इसके लिए आया हूँ, क्योंकि JEE-AES के 90% मामले इन्हीं दो कमिश्नरी के अंदर पाए जाते हैं और इन दो कमिश्नरी के अंदर ही ज़्यादातर मौतें होती थी। पिछले 3 वर्ष के अंदर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों ने बीमारी पे 60% और मौत पर 90% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार हमारे लिए चैलेंज ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना भी है और साथ साथ JEE-AES भी है, डेंगू भी है, मानसून 15 दिन पहले आ चुका है, इसके कारण भी जगह जगह जल जमाव के कारण भी ये समस्या गहरा सकती है। इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा, स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ आई है और उन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के साथ जोड़ करके बहुत व्यापक कार्ययोजना बनी है। यद्यपि आज से पूरे प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर हमने सर्विलांस की एक टीम सक्रिय की है। ये टीम दोनों प्रकार का कार्य करेगी, एक तरफ COVID-19 की स्क्रीनिंग की कार्रवाई होगी, तो साथ साथ अगर कहीं भी कोई भी ऐसा लक्षण पाया जाता है तो उस लक्षण के आधार पर संचारी रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज को भी उसके माध्यम से डिटेक्ट करने की कार्रवाई होगी। हमने आज इसकी पूरी व्यापक कार्य योजना यहाँ पर बनाई है और मेरा विश्वास है कि पिछले 3 वर्ष के दौरान जो बेहतर कार्य प्रणाली गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मिलकर के रिजल्ट दिया है, वह इस वर्ष भी हम लोग उसको और बेहतर करने में सफल होंगे। सभी की तैयारियां हैं, सभी लोग लगे हैं। इस बार चैलेंज ज़्यादा है, लेकिन उस चैलेंज के साथ भी लोग बेहतर कार्य करने के जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कोरोना पर भी नियंत्रण होगा, JEE-AES पर और डेंगू पर भी हम लोग प्रभावी नियंत्रण करने में सफल होंगे।